हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, दिसंबर एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो हम इसे अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट केप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 जून 2017। द फॉलोइंग वर शोन एज अ बींग द एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 5555। ये दे रखा है हमारा पर्टिकुलर, ये अमाउंट्स हैं कि कितने कितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं उनमें कितना चीज़ यूज़ हुआ है। तो पहला मटेरियल परचेज किया हमने, जब हम कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बिल्डर है तो मतलब बिल्डिंग बनाएगा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या यूज़ हुआ है। मटेरियल परचेज हुआ है, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, प्लांट विच हैज़ बीन यूज ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, एक प्लांट खरीदा है जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, एडिशनल प्लांट, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रपोर्शनेट इंस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं। और क्या बोल रहा है आगे, ये पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्ट विच हैड कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी 2017 वॉज फॉर 6 लाख एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाई द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी। अब क्या बोलता है कि जो अमाउंट 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट विच इज कमेंस कितना 1 फरवरी को हुआ है और वॉज 6 लाख रुपये, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 लाख रुपये का है, और एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाई द आर्किटेक्ट, और जो अमाउंट सर्टिफाइड किया आर्किटेक्ट ने आफ्टर डिडक्शन, वो 20% रिटेंशन मनी होगा, मतलब 80% जो होगा वो सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड होगा 80%, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है 80%, और रिटेंशन मनी कितनी है 20%। ठीक है, रिटेंशन मनी मतलब जितना मनी उसने अपने पास रखा है। अब बोलता है वॉज 2,41,600 द वर्क बींग ए सर्टिफाइड, मतलब ये वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट निकाल रखा है पहले से ही कि वर्क सर्टिफाइड इतना हुआ, 2,41,600 रुपये का वर्क सर्टिफाइड हुआ है। ऑन 30 जून 2017 द मटेरियल ऑन साइट वर 19,716 रुपीज़, जो मटेरियल एट साइट था 30 जून की बात है 19,716 रुपये है। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वॉज ऑल्सो केप्ट इन अ प्लान विच इन केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वॉज डील्ड विथ मंथली द अमाउंट डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट इन इज 22,260 रुपीज़, मतलब डेप्रिसिएशन है जो प्लांट का डेप्रिसिएशन है वो है 2,260 रुपये। एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शोइंग प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और हमें प्रॉफिट शो करना है। ठीक है, इन्होंने बोला प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका प्रॉफिट कितना होगा वो बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, तो फॉर्मेट हमारा बन गया है, फॉर्मेट कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा फॉर्मेट होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसा बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और एक फॉर्मेट बनाना है, तो ऐसे फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो हम चलिए लिखते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लीजिए हमारी क्वेश्चन में। अब जो मटेरियल परचेज किया, जो हमने डेबिट किया है, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो अब फॉर्मेट बन गया है, अब हमें चेक करना है क्या चीज़ डेबिट में है, क्या चीज़ क्रेडिट में आएगा, जिससे हमारा प्रॉफिट आ जाए कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट कितना आएगा वो बता दो हमें, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो। तो मटेरियल परचेज किया है, पैसे गए हैं तो डेबिट में आएगा, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर ये भी डेबिट में आएगा क्योंकि मटेरियल इशूड किया है। फिर आता है कि प्लांट विच हैज़ बीन यूज ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट, हमने एक प्लांट खरीदा है या प्लांट लिया है जो यूज़ किया अदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो हमारे इसमें तो है ही नहीं, तो ये हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बिल्डिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें नहीं आएगा, तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये जो प्लांट है ये हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये प्लांट वाला यूज़ नहीं होगा, अदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है ये, तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा ये बोला एडिशनल प्लांट की कोई भी एडिशनल प्लांट हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें ये भी नहीं आएगा, एडिशनल प्लांट आएगा ही नहीं। दूसरा बोला वेजेस आएगा डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा डेबिट में, अनप्रपोर्शनल इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो हुए हैं
जो हम इंस्टाब्लिशमेंट जब कोई चीज़ इंस्टाब्लिश करते हैं, जो कोई बनाते हैं, उनमें जो खर्चे जाते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो सब डेबिट होंगे। उसके बाद क्या होगा, इनको लिख लेते हैं सबसे पहले कि मटेरियल परचेज्ड लिख दो। टू मटेरियल परचेज्ड कितना है, 1,16,126, 1,16,126 यह आ गया। फिर लिख लो मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड कितना है, 19,570। ठीक, उसके बाद क्या है, प्लांट नहीं आएगा, एडिशनल प्लांट भी नहीं आएगा। अब वेजेस, टू वेजेस, वेजेस कितना है, 7,220, 7,000 कितना है वेजेस, सॉरी वेजेस तो है 1,47,268, 1,47,268, 1,47,268 है। ठीक है, और क्या है उसके बाद है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये क्या, ये कितना है, 4,052। उसके बाद क्या है, ये एक्सपेंसेस, टू इंस्टाब्लिश एक्सपेंसेस ये कितना है, 17,440। डेबिट साइड का लिख लिया, अब हमें आगे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। डेबिट साइड का लिख लिया, समझ में आ गया कैसे कैसे करना है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था, 6 लाख, सर्टिफाइड कितना हुआ, 2,41,600 रुपये का, और कितना कितना परसेंट मनी रिटेंशन है, 20% मनी रिटेंशन है। ठीक है, और मटेरियल साइड भी दे रखा है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग मटेरियल, एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है 2,260 रुपये। डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट से खर्चा होता है, तो इसे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन टू डेप ऑन प्लांट 2,260। ठीक है, अब हमें लिखना है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, तो वर्क सर्टिफाइड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बाय WIP मतलब वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट, वर्किंग प्रोग्रेस है ना, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस, अभी काम पूरा नहीं होता, इसे हम लिखते हैं वर्किंग प्रोग्रेस, तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2,41,600, 2,41,600 है, नहीं 2,41,600 नहीं है, 2,41,600 नहीं है, दो इसको हम निकालेंगे, इसको निकालते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में वर्क सर्टिफाइड 2,41,600 हुआ है, तो हम निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड, कैसे निकालेंगे कि 2,41,600 है, 41,600 गिवन है, 80% काम वर्क सर्टिफाइड हुआ है, इसका जो इसको मन डिवाइड करो इससे कितना आता है, इसका 80% जो होगा वो वर्क सर्टिफाइड निकलेगा, तो 2,41,600 डिवाइड बाई 80% 3,02,000, तो 3,02,000 हमारा वर्क सर्टिफाइड आएगा, 3,02,000, 3,02,000 यहाँ पे आएगा, तो 3,02,000 यहाँ पे भी आएगा, 3,02,000। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब जो यहाँ पे ये सब गिवन है, मटेरियल साइट एंड मटेरियल साइट लिख दो यहाँ पे, कि जो क्लोजिंग मटेरियल है वो, तो बाय मटेरियल साइट 19,716। अब जो डिफरेंस आएगा वो रिजर्व एंड पी एन एल में बढ़ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा उसको हम नॉशनल प्रॉफिट कहते हैं, ये 3,02,000 है, 19,716 है, ये आएगा 3,21,716, 3,21,716 और 3,21,716, अब डिफरेंस जो आता है वो निकाल दो कि माइनस कर दो, 1,16,126, 19,570, 1,47,268, 2,47,268, 4,052 माइनस 17,440 माइनus 2,260
ये जो 15,000 आया ये हमारा नॉशनल प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखो पहला, यहाँ पे लिखो दूसरा, ये पहला यहाँ डाल दिया। अब ये जो नॉशनल प्रॉफिट आया, नॉशनल प्रॉफिट जो है वो 15,000 आया है। ठीक है, कैसे आया? इसका टोटल और इसका टोटल जो डिफरेंस आएगा वो 15,000 हमारा नॉशनल प्रॉफिट होगा। अब क्या करना है कि हमें इसे प्लांट में बांटना है और रिजर्व में, सॉरी पीएनएल अकाउंट में बांटना है, प्लांट में नहीं, पीएनएल अकाउंट में बांटना है, पीएनएल अकाउंट में बांटना है और रिजर्व में डालना है। पीएनएल अकाउंट मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है और रिजर्व में जाना जो हमेशा के रिजर्व रहेगा। तो 15,000 है, 80% काम हुआ है, 80% के हिसाब से काम हुआ है, मतलब 2/3 वाला पॉइंट मिलेगा इसे। तो 2/3 मिलेगा इसे, तो 2/3 कैसे मिलेगा? 15,000 का 80% काम हुआ है ना, 2/3 इंटू 80%, तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 जो है वो हमारा ये आ जाएगा पीएनएल। और जो ये बचेगा ये कितना बचेगा? 7,000 ना। अगर 15 में से 8 चला जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 7,000, 7,000 बचेगा वो हमारा रिजर्व आएगा। समझ में आ गया? अब एक बात और सुन लो, जो ये सर्टिफाइड होता है, सर्टिफाइड सर्टिफाइड जो वर्क सर्टिफाइड होता है उसे हम हमेशा ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं और जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है उसे हमेशा कॉस्ट पे जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है उसे हम ऑलवेज कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो वर्क सर्टिफाइड होता है उसे हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है उसे हम हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया बुक का, इंस्टीट्यूट की बुक का। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन वर्क एट प्राइस 5 लाख। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एक कंस्ट्रक्शन करता है जिसकी प्राइस है 5 लाख रुपये, मतलब वो एक बिल्डिंग का अंडरटेक करता है जिसे कंस्ट्रक्शन करना है 5 लाख रुपये। एंड बिगन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑन 1 जनवरी 2016। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू दिसंबर 31 दिसंबर 2016। अप टू 31 दिसंबर तक का ही ये गिवन है, ये जो चीज़ गिवन है 31 दिसंबर तक का है। अब क्या क्या गिवन ये देख लेते हैं। मशीनरी 30,000 के, मटेरियल 1,70,698 रुपये, वेजेस इतने का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने का, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है तो हमें निकालना नहीं है, वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन है, वैल्यू ऑफ प्लांट 31 दिसंबर 2016, ये क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट है, ओवरहेड है, मटेरियल रिटर्न है, मटेरियल रिटर्न मतलब जो मटेरियल लिया था वापस आ गया था क्रेडिट में आएगा, एंड वर्क सर्टिफाइड भी गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर और क्या गिवन है? कैश रिसीव भी हुआ, जो जितना कॉन्ट्रैक्टर को कैश रिसीव भी हुआ वो, अब मटेरियल ऑन क्लोजिंग मटेरियल गिवन है। ठीक है, तो ये सब गिवन। अब आगे थ्योरी पढ़ते हैं क्या है। इट वॉज डिसाइड दैट द प्रॉफिट मेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन द ईयर शुड बी अराइव्ड एट अ डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ आर्किटेक्ट सर्टिफाइड दैट 1/3 ऑफ प्रॉफिट सो अराइव्ड एट शुड बी रिगार्डेड एज अ प्रोविजन अगेंस्ट कंटीजेंसीज एंड दैट सच प्रोविजन शुड बी इंक्रीज बाई टेकिंग टू द क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट ओनली सच पोर्शन ऑफ 2/3 प्रॉफिट एज अ कैश रिसीव्ड टू द वर्क सर्टिफाइड। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो 2/3 आया है वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा ना कि 1/3। 2/3 हमारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा और जो 1/3 बचेगा वो हमारा रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टी है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया वो पहले आर्किटेक्ट से वो वेरीफाई करवाता है और वो बोलता है कि सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देता है 1/3 प्रॉफिट का।
अराइव्ड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रेडिट होता है वो सच पोर्शन, वो कितना पोर्शन होता है, टू थर्ड पोर्शन वर्क, टू थर्ड जाता है प्रॉफिट में एंड कैश रिसीव टू द वर्क सर्टिफाइड। किसका कैश रिसीव का टू थर्ड। अब हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट पहले इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फॉर्मेट बन गया, अब फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले में क्या लिखा है, यहाँ पे रखता हूँ बुक, इसको थोड़ा साइड, अब यहाँ पे आपको क्लियरिटी दिखेगी क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मशीनरी है 30,000 का, तो डेबिट में करो मशीन, तो टू मशीन कितना है 30,000। और क्या है मटेरियल, तो टू मटेरियल कितना है 170,698, 1,70,698। फिर वेजेस है, टू वेजेस को बाहर लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 1,48,750। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है 5,380 रुपये, तो यहाँ पे लिखो 5,380, ऐड करो उसको, तो ये आएगा 1,48,750 प्लस 5,380, 1,54,130, 1,54,130 रुपीज़ दिया है टोटल वेजेस। अब ये बोल रहा है कि वर्क अनसर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आओ लिखो बाय WIP वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट, मतलब ये काम पूरा नहीं हुआ। जब वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड एंड वर्क सर्टिफाइड 3,90,000, वर्क सर्टिफाइड 3,90,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड 9,000, कितना हो गया 3,99,000, सॉरी 3,99,000, ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2016 है, मतलब ये क्लोजिंग मानते हैं, ये क्लोजिंग है क्योंकि इसने 31 दिसंबर तक ही दे रखा है, तो हम इसे क्लोजिंग ही मानेंगे। तो बाय क्लोजिंग प्लांट, क्लोजिंग प्लांट लिख दो, प्लांट भी देखो तभी चलेगा, क्लोजिंग प्लांट लिख दो 22,000, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ओवरहेड दे रखा है, तो यहाँ पे ओवरहेड लिखो, टू ओवरहेड कितना है 8,252, 8,252 रुपीज़ ओवरहेड आ गया। अब क्या बोल रहा है, और क्या है, मटेरियल रिटर्न्ड हुआ है, मटेरियल रिटर्न हुआ मतलब पहले डेबिट हुआ होगा, अब यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो बाय मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न कितना है 1098, कितना है 1098, वर्क सर्टिफाइड हो गया। अब बचेगा मटेरियल क्लोजिंग मटेरियल, तो बाय क्लोजिंग मटेरियल कितना है 3,766, सारा हो गया। एक को छोड़कर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखा है सिर्फ, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 6,334, सब कुछ लिख दिया है। अब हमें निकालना है कि अब हमें निकालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा और हमारे उसमें कितना जाएगा रिजर्व में। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंटेज उसको कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव इतना है ना, और कितना से कैश रिसीव हुआ पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये लिखो यहाँ पे, वर्किंग नोट लिखते हैं, वर्किंग नोट में लिखेंगे सबसे पहले रहेगा, दिखा भी सकते हैं कि हाँ हमने वर्किंग नोट बनाया है। कैश रिसीव इतना हुआ है ना, तो 390 डिवाइड बाई 390, तो ये आएगा 92.30% इतना वर्क हुआ। कैसे आया ये कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड
ऐसा क्यों है? क्योंकि 90% क्यों आया? मैंने अपने लास्ट के फॉर्मूला जो है मेरा फॉर्मूला नंबर 4 जो है उसमें बोलता है, अगर कोई व्यक्ति 90% से ज़्यादा काम कर लेता है तो उसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलता है। कितना मिलता है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैश रिसीट जितना हुआ है, वर्क सर्टिफाइड जितना है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना का निकलेगा वो निकल जाएगा, कितने परसेंट का निकलेगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। कैश रिसीप्ट हुआ है इसको 3,60,000 का, और वर्क सर्टिफाइड हुआ है 3,90,000 का। तो इसको हम ले देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 12/13। इसको शॉर्ट करके हमने यहाँ 12/13 लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, इसको हम ऐसे भी ले सकते थे कि 0.923076 92, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व निकालना है। तो टोटल करो इसका, इसका टोटल करो तो इसका अगर 399,000 प्लस 22,000 प्लस 1098 प्लस 3766 ये आएगा 4,25,864, 4,25,864, 4,25,864 ये आ गया। अब इसका डिफरेंस जो आएगा वो हमारा नॉशनल प्रॉफिट आएगा। अब नॉशनल प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 और 1/3 में इसको डिवाइड कर देंगे। अब 30,000 प्लस 1,706,898 1,54,130,82,52,633,4 ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3,639,414 माइनस कर दो 4,25,864 में से, तो इसका डिफरेंस आएगा नॉशनल प्रॉफिट जो आएगा हमारा 5,05,640। इतना अमाउंट आएगा हमारा नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें निकालना है इसी में हमें 2/3 और 1/3 करना है, इसी में हमें 2/3 और 1/3 करना है। कैसे करेंगे चलो बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पे लिखो 56450 का 12/13 करो, और कितना परसेंट देना है, कितना हमें देना है 2/3 देना है, और यहाँ पे 56450 × 12/13 इसको हमें 1/3 देना है। ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये आएगा हमारा रिजर्व। चलो निकाल लेते हैं फटाफट। तो 56450 × 12/13 × 2/3 ये आएगा 34738.46। कितना आएगा? 34738.46। तो 3 8 आ रहा है ना, 3 8 तक लिख लो उसे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो 2 PNL अकाउंट 34738, इतना ही बहुत है। अब आता है 2 रिजर्व, रिजर्व लिख दो कितना आएगा, वो 56450 × 12/13 × 2/3 1739369.2 इतना आ रहा है, नहीं ये नहीं आएगा। तो 56450 × 12/13 / 13 / 13 इतना नहीं आ रहा, या आंसर गलत आ रहा है इसका। डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 56450 − 34738, हाँ 21712 21712 दिया गया यहाँ पे 21712। आंसर चेक कर लेते हैं, इतना ही आ रहा है। तो 34738 और 212, 34738 एंड 21712, ठीक है, यही आ रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है। 13 में क्या है ये देख लेते हैं एक बारी। एक 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, क्या है पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर
कमेंस द वर्क ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2016। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट शुरू करता है 1 अप्रैल 2016 में, ठीक है। ही यूजली क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर ऑन 31st December ऑफ ईच ईयर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिवेल्ड इज इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द फ्रॉम हिज कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑन 31st December 2016। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट दे रखे हैं, क्या क्या है कि मटेरियल सेंट टू साइट 43,000, जो मटेरियल सेंट किया उस साइट में जहाँ ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसको 43,000 रुपये लगे मटेरियल सेंट साइट करने पे। जो जूनियर इंजीनियर उसकी फ़ीस देने में 12,620 रुपये लगे हैं, लेबर को देने में 1,220 रुपये लगे हैं, ठीक है। अब क्या है आगे, अब मशीन कॉस्टिंग 30,000 रुपये रिमेंड इन यूज़ ऑन साइट फॉर 1/5 ऑफ ईयर। इट्स वर्किंग लाइफ वॉज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये। अब मशीन की जो कॉस्टिंग है वो 30,000 रुपये है, उसका साइट पे जो एक 1/5 ईयर यूज़ हुआ है और जो मशीन की लाइफ है वो 5 साल है और स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपये है। सुपरवाइज़र जो है, सुपरवाइज़र इज पेड 2,000 रुपीज़ पर मंथ एंड हैड डिवोटेड ऑन 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो अगर कोई 1 साल है उसमें से उसने 1/2 टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाकी काम नहीं किया है, मतलब उसका 6 महीना काम किया है, पूरा 6 महीना, पूरा 1 साल नहीं काम किया है, अगर 1 साल काम करता है तो। ऑल अदर एक्सपेंसिस वर 14,000 एंड मटेरियल साइट ऑन 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये मटेरियल है और एक्सपेंसिस 14,000 रुपये है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 4 लाख रुपये है और 31 दिसंबर 2016 में 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड और 31 दिसंबर 2016 में उसका दो तिहाई कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट हो जाता है, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीट हो जाता है। हाउएवर द आर्किटेक्ट गिव सर्टिफिकेट ओनली 2 लाख रुपीज़। अब जो आर्किटेक्ट है उसको 2 लाख रुपये का सर्टिफिकेट देता है कि इतना इसने काम किया है, ठीक है। ऑन विच 80% वॉज पेड एंड प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब उसमें से 80% काम हो गया, 80% का उसने पे कर दिया है, 20% जो है वो हमारा रिटेंशन मनी है। रिटेंशन मनी मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है, रिटेंशन मनी मतलब ये होता है अगर कोई फ्यूचर में कोई डिफेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर तो उसे वो अपना रिकवर कर सकता है, उसे वो पैसे नहीं देगा तो वो रिकवर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटेंशन मनी, ये 80% इसने पे कर रखा है। अब हमें बनाना है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बस इसे एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के देना है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो आंसर को मैंने ढक दिया है, आंसर नहीं देखेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन को अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा और समझ लिया तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहले बोलता है कि मटेरियल सेंट ऑन साइट, डेबिट में आया क्योंकि मटेरियल साइट पे सेंड किया है, कितना मटेरियल से भेजा है उसने 43,000 का, तो टू मटेरियल 43,000 रुपये का उसने सेंड किया है ना, तो 43,000 रुपये। उसके बाद उसने इंजीनियर को पैसे दिए हैं, तो जूनियर इंजीनियर को उसने पैसे दिया है, कितना दिया है 12,620 रुपये। उसके बाद लेबर को उसने पैसे दिया है, लेबर को पैसे दिया है 1,220 रुपये, कितना दिया 1,220 रुपये। अब क्या है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो पहले निकाल लेते हैं कि पहले छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे खर्चे हैं पहले वो लिख लो, फिर उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं वो ध्यान देना है। इसमें अदर एक्सपेंसेस क्या है 14,000, मटेरियल साइट ऑन साइट कितना है, तो मटेरियल ऑन साइट है ना, पहले उसमें क्लोजिंग स्टॉक था इसमें भी क्लोजिंग माना जाएगा, तो इसमें वर्क सर्टिफाइड है, हाँ है, वर्क अनसर्टिफाइड भी निकालना होगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे लिख लो बाय मटेरियल साइट कितना है 2,500, ठीक है। अब हमें निकालना है बाय WIP कितना है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 2,00,000 रुपये,
2 लाख। उसके बाद अभी हमें वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है, और क्या निकालना है, वर्क अनसर्टिफाइड निकालना और ये वाली वैल्यू निकालनी, इनकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि 1.5 मंथ टाइम, 1 टाइम कर रहे हैं, हाफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से निकालना है। और कितना महीने काम हुआ पहले वो देख लेते हैं, कितने महीने काम हुआ है, अप्रैल टू दिसंबर करो, कितना महीने काम हुआ है, अप्रैल टू दिसंबर काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो कुल मिला के 9 मंथ, 9 महीने काम किए हैं, ठीक है, 9 महीने काम हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें निकालना होगा। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट में आओ, वर्किंग नोट में आ गए। अब हमें वर्किंग नोट से ही इसको करना है। तो जो वो है हमारा, जैसे कि हमारा ये है सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र 9 महीने काम करता है 2000 रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो जो सुपरवाइज़र के एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सुपरवाइज़र के एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो 2000 रुपये पर मंथ है उसका, 9 महीने काम करता है, 9 महीने काम करते हैं ना, अप्रैल टू दिसंबर, कैसे अप्रैल टू दिसंबर कितना होता है, 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने के हिसाब से इसका आ गया 18000 रुपये, उसमें से वो हाफ टाइम सॉरी उसमें से वो हाफ टाइम ही काम करता है, तो उसका आधा निकाल दो तो वो 9000 रुपये आ जाएगा। तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपये करता है, 9000 रुपये का काम करता है, तो यहाँ पर लिखो टू सुपरवाइज़र कितना, 9000 रुपये, एक नंबर डाल दो। अब दूसरा क्या है, दूसरा निकालना है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का डेप्रिसिएशन निकालना, कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे प्लांट का डेप्रिसिएशन, कैसे निकालेंगे बताओ, कि जो 30000 रुपये है, सॉरी प्लांट का नहीं, मशीन का, मशीन जो है उसे डेप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू दे रखी है और वो भी दे रखा 1/5, तो हिसाब से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, कि मशीन की कॉस्ट कितनी है, 30000 रुपये, डेप ऑन मशीन 30000 है, उसमें से 2000 जो है वो हमारा स्क्रैप है, कितने साल लाइफ है, लाइफ इसकी 5 साल है, तो उसमें 28000 बचेगा, 28 में से 2 5000 कितना बचेगा, 28 में से अगर 5 चला जाएगा 5600 बचेगा, तो 5600 उसमें से वो 1/5 ही साइट पे रहता है, जो क्या साइट है जहाँ वो काम हो रहा है उसमें से वो 1/5 ही काम आता है, ठीक है, तो इसका 1/5 निकाल दो, इसको सॉरी 5600 डिवाइड बाय 5 अगर 1120, डेप्रिसिएशन आ गया इसका 1120 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू मशीनरी 1120, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना वर्क अनसर्टिफाइड, कैसे निकालेंगे वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए हमें इसको टोटल करना पड़ेगा, इसको इसे माइनस करना पड़ेगा, जो अमाउंट बचेगा उसी से हम वर्क अनसर्टिफाइड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ मैं। तो वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए हमें कुछ एक चीज़ करना होगा, वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए ये टोटल करो, इसमें से ये टोटल करना है, और इसमें से ये जो 2500 रुपये आया है ये वाला, ये माइनस करना है, ठीक है, क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये वाला मटेरियल वापस आया है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम, मैंने फॉर्मूला लिखा था, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कहाँ लिखा है, वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालना था, कहाँ लिखा था, वर्क अनसर्टिफाइड निकालना हो तो यहीं कहीं से लिखा था फॉर्मूला वर्क अनसर्टिफाइड का, हाँ, जो टोटल कॉस्ट इंकर्ड करेंगे, टोटल कॉस्ट इंकर्ड किया माइनस वर्क सर्टिफाइड, उसमें से हम वो आ जाएगा हमारा वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, इस ऐसे इसमें भी है, इसमें क्या है कि जो हमारा कॉस्ट इंकर्ड किया है, ये टोटली कॉस्ट हमने इंकर्ड किया है, खर्चा किया है, उसमें से हम इसमें से ये हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड, कैसे आएगा वो निकालते हैं,
अब हमें कैलकुलेट करना पॉइंट नंबर 3, वर्क अनसर्टिफाइड। कैसे निकालेंगे इसका टोटल करो फटाफट। इसका टोटल आएगा 4312620100220, 14,000, 9,000 और 1120। ये आएगा 179,996,000। यहाँ देख लो 179,996,000 देगा, 179,960 आया। अब क्या करना है, ये 2500 माइनस कर दो, 2500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 177,460 इतना अमाउंट बचेगा। ठीक है, इतना अमाउंट बचने के बाद अब हमें क्या करना है कि काम कितना हुआ है, 2/3 हुआ है। क्यों, से 2/3 कैसे होगा, क्योंकि 50% से अबव है कि क्या है, 50% से अबव है, तो 50% अबव है तो 2/3 मानते हैं। वहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हम निकालते हैं प्रॉफिट, वो 2/3 होता है। 77146 डिवाइड बाई 2/3। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और निकालना है इसमें। क्या निकालना है कि हमें निकालना है कि कौन सा चीज़ अभी तक नहीं मिला है। क्या निकालना है कि 1/6 जो हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा, वो यहाँ पे निकालते हैं कि 2/3 तो हमें, 2/3 तो हमें वो प्रॉफिट है। ठीक है, 1/2 जो अभी तक अभी हमें मिला नहीं है, क्या है वो, वह जो है अभी मिला नहीं। किसको नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्टर को मिला नहीं। ठीक है, वो अभी जो मिला नहीं, ये अब इसको सॉल्व करो कैसे आएगा, 3 × 6, 3 × 6, 2 × 4, 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 3, 1/6, 1/6 आया। अब जब ये 1/6 आ गया, यहाँ पे 1/6 का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 3 है, ये ऊपर आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके देखो कितना आता है, 177460 × 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6 कितने का, 44365। ये हमारा वर्क अनसर्टिफाइड निकल गया 44365। तो यहाँ पे लिख दो आप वर्क अनसर्टिफाइड कितना आएगा, 44365। तो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड आ गया। अब यहाँ पे लिख दिया हमने, अब इसको टोटल करो, टोटल आने पर जो नोशनल प्रॉफिट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बांट देंगे, कितना आएगा, 2,00,000 प्लस 44,365 प्लस 2,500, तो कितना आएगा, 246865। ठीक है, यहाँ पे भी इतना आएगा 246865, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है, माइनस कर दो यहाँ पे ही ये अभी हमने किया था ना यहाँ पे 179960, तो 179960 यहाँ से हम हटा दो, तो 66905 बचेगा, कितना बचेगा, 66905 इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दो नॉशनल, कौन सा पॉइंट है, 4th नॉशनल प्रॉफिट कितना था, 66905। ठीक है, अब क्या है, अब हमें इसमें 2/3 तो हमारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, क्योंकि इस 80% से ज़्यादा उन्होंने अमाउंट पे कर दिया है, तो 80% ज़्यादा पे किया 2/3, तो यहाँ पे 80% आएगा और इसका 2/3, और जो 1/3 बचेगा इसका वो जाएगा हमारे रिजर्व में। तो कैसे निकालेंगे इसका, 2/3 निकालो, इंटू 80% इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यह आएगा 3568, 2.66666 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे लेंगे 3568.2.66 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 लिख दो, और ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया। अब जो रिज़र्व है, रिज़र्व कितना आएगा, अब 66905 - 35683 कर दो, जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा रिज़र्व, तो 66905 - 35683 यहाँ का 31222। अब यहाँ लिख दो, यही सिंपल सही है। तो पहला क्या था, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एंड 2 रिज़र्व, कितना था पहला, 35683
एंड 3122। ठीक है, तो मेन इम्पॉर्टेंट ये वाले पॉइंट थे जो वर्क सर्टिफाइड निकाला है, ये उनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़, ये वाले पार्ट। वन हाफ जो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिला है, क्योंकि उसको 80% मिला है, जो अभी नहीं मिला है वो ये है, ठीक है, वो ये है, ये इतना पार्ट उसको नहीं मिला है, और उसमें से 1/6 जो है उसका वर्क अनसर्टिफाइड नहीं मिला है, जो उसमें से 1/6 जो है वो वर्क अनसर्टिफाइड है, वो उसे नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, इस इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, तो इसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है। अब अगर जो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एंड 16 एंड 17 एंड ब्ला ब्ला जो भी 21 क्वेश्चन जो भी हैं, 13 क्वेश्चन थे इसमें, वैसे 23 क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले लेक्चर जब आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, और 14 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बता रहा है कैसे करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर भी करना, थैंक यू।